दोस्तों, आज जो मेरी मेहमान हैं वो हैं नुसरत मिसबा साहिबा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनका इंट्रोडक्शन तो खैर मैं क्या ही कराऊंगा। आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीपल इन पाकिस्तान। सब इनको जानते हैं, इनको इनके काम से वाकिफ हैं। बट आई थिंक मेरी कोशिश ये है कि आज इनसे बातचीत करके हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स इनकी लाइफ के, इनके काम के लोगों के सामने लेके आए जो जिनसे आपको कुछ कुछ लर्निंग्स हों, कुछ सबक हों, कुछ इंसाइट्स मिलें। डिप्लेक्स की कहानी जस्ट फॉर फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस, सब जानते हैं। डिप्लेक्स 1980 में शुरू हुआ था, 40 साल पहले। आज इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रांड्स इन पाकिस्तान। एक कामयाब सक्सेस स्टोरी है। और ये सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिन्होंने, मैं जो टर्म यूज करूंगा वो रिकंस्ट्रक्ट किया है, इन टर्म्स ऑफ इमेज, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, ब्यूटी के हवाले से, ब्यूटिशंस के हवाले से, सलोन्स के हवाले से। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सिर्फ ये कोई अपने लिए बिजनेस क्रिएट नहीं किया गया। इसमें आज 1500 से 2000 लोग एम्प्लॉयड हैं। ये 1500 से 2000 लोग नहीं है, ये 1500 से 2000 फैमिलीज हैं जिनकी कफालत इस काम के जरिए होती है। हमें पाकिस्तान में ये बात समझनी चाहिए कि जब कोई भी आदमी अपना काम शुरू करता है वो अपने लिए नहीं करता खाली, उससे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है जिससे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों के घर चलते हैं। और अगर मैं 40 साल का वक्त देखूं तो तकरीबन ये दो नस्लें ऑलमोस्ट इसके अंदर अब इनफोल्ड हो गई हैं जो इनके इनकी शख्सियत से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा सदका है जारिया किसी की जिंदगी में नहीं हो सकता कि अगर उनके हवाले से इतने घर और इतनी नस्लें चल रही हों। तो डिप्लेक्स की पे भी थोड़ी सी हम इनसे बात करेंगे उसके बाद। मैं ये समझती हूँ कि मैं ये चाहूंगी, अच्छा फूल भी लगा देंगे ना मेरी तस्वीर के ऊपर मैं ये नहीं चाहूंगी। तो मैं ये चाहूंगी कि आज भी जबकि जिससे आइंदा आने वाले पढ़ने जो पढ़ेंगे उनको फायदा हो। बिल्कुल, तो मेरे नजदीक काम कभी खत्म नहीं होता, ना होना चाहिए। शॉ कॉलेज ऑफ ब्यूटी एंड थेरेपी, कैसा कैसे आप वो मैगजीन का वो एड जो आपने देखा फिर लिखा, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे, क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा, ये मैं जरूर शेयर करूंगी क्योंकि मेरे बारे में तो मैं कोई खुली किताब हूँ, तो मैं ये कोई बातें छुपा भी नहीं सकती हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर बट मैं ना बन सकी क्योंकि मैं घर में बड़ी थी। आई वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली और यहाँ पे खवातीन ज्यादा हैं और मर्द कम है, यानी कि मेरे दो भाई हैं छोटे और एक मेरे अब्बा है। तो उस जमाने में नाना बू भी होते थे, दादा का इंतकाल। सो इवन दोबारा से पढ़ाई करूँ मैं अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ। दिस वॉज द टाइम वेन देयर वॉज नो सच थिंग एज आपने कोई। और ये मजबूती मुझे अपने वालिदैन से मिली कि मुझे हर बुरे वक्त में अल्लाह ताला का शुक्र करने की आदत है। और अंडर मैंने इसका प्रिस्क्रिप्शन, एक अंडर प्रिस्क्रिप्शन हो बस इट हैज टू बी लाइक मैंने इसके बारे में एक अपना सर्वे किया तो इतना आसान था तेजाब लेना किसी भी दुकान से और किसी भी पेट्रोल की जो गैस स्टेशन होते हैं वहां से। वो भी पूछते हैं आपसे कि आपको बाहर वाला चाहिए तेज, बस 50 रुपए और दे दीजिए। जी। सो लाइक एनीबडी कैन बाय इट फॉर 150, 200, 300, 500 मैक्सिमम एंड कैन एक्चुअली रूइन द होल लाइफ और मेबी बिल्कुल, कैन टेक अ लाइफ। यहाँ तक मैंने वाकया देखा था कि कुरान के ऊपर हाथ रख देते हैं एक मरती हुई औरत का और पूरा गांव जो है वो उसके इर्द गिर्द खड़ा हुआ है, वो मुजरिम भी खड़ा हुआ है और पुलिस वाले भी खड़े हुए और वो कहते हैं कि तू माफ कर दे, तुझे अल्लाह ने बहुत ऊंचा मुकाम देना है मरने के बाद। उसकी गर्दन लुढ़क गई क्योंकि वो आखिरी सांसें ले रही थी। लो जी माफ कर दिया वो चले गए और मामला खत्म, कुछ पैसे ले लिए उन्होंने। इट इज नाउ द टाइम फॉर अस कि हम जो है वो इतना शोर मचाएं, इतना शोर मचाएं कि कोई ये जुर्रत ही ना करे कि वो परपेट्रेटर्स को, वो मुजरिमों को पनाह दे, बिल्कुल उनकी पुष्ट पनाही करे। मैं कहाँ गलत हूँ, इससे पहले कि मुझे कोई कहे कि तुम गलत हो, मैं अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करती हूँ। एवरी नाइट दैट आई स्लीप व्हेन आई से अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, तो उससे पहले मैं अपने पूरे दिन को याद करती हूँ। आप हुकूक की बात उस वक्त करेंगी जब आपके ऊपर कोई उंगली उठा के ये नहीं कह सके कि तुमने वो तो किया नहीं था और तो तुम चली हो ये बात करने के लिए। पहले वो कर लो और उसके बाद वो बात करो। किसी के कहने पे मत आओ, किसी को फॉलो मत करो क्योंकि आपको पता है कि आप किस माहौल में रहती हैं, आपको पता है कि
आपकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप कहाँ काम कर रही हैं वहां पर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को समझ के अकल के साथ जो भी लेके चलना है, और फिर आप जरूर खड़े हों कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, बोलें बोलने ही मैं आपको आपको आसानियां मिलेंगी, पढ़ी लिखी भी नहीं है, शक्ल सूरत भी नहीं है, कैसे चली है काम करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये मेरी कुछ नसीबी थी कि मेरे मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जिसकी सपोर्ट मुझे रही, जिसने मुझे कभी पीछे गिरने नहीं दिया। उस जमाने में कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था, तो हमने सबको लेटर्स लिखे, जो पहला लेटर आया वो एक ब्यूटी कॉलेज से आया था, शॉ कॉलेज, अपने रिसर्च की है। ऐसे कोई वाकयात होते हैं जिसमें शादियां नहीं चलती है तो वो हर कोई इंग्लैंड नहीं चला जाता, वो पाकिस्तान में ही रह के। तो इस तरह से मैं जब वापस आई तो मैंने कोई डेपलेक्स खोला, वो बच्चियां फॉरेन क्वालिफाइड नहीं थी, जहाँ पर आप एक लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं वहां पर। उसके अलावा मैं, हाँ मैं अभी मेरी उसने एक मुझे डायरी दी, मैं उसको मार डालू ताकि ये हमें मिल जाए।